वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज आई एम धीरेन्द्र कुमार टूडे वी डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियर रिसेप्टर एंड आयन चैनल लिंक रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा आपके जितने भी कंसेप्ट होंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर से लेकर के पूरे आपके क्लियर हो जाएंगे तो दोस्तों वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में देन आयन चैनल पहले हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर आखिर में रियल में है क्या तो न्यूक्लियर रिसेप्टर आर इंट्रा सेलर प्रोटीन एक्सप्रेस इन न्यूक्लियस ऑफ ए सेल तो देखा जाए दोस्तों हम किसी इटिक सेल की बात करें तो दे हैविंग वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वेल डेवलप न्यूक्लियस होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या हम सीधे बोल सकते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं तो डीएनए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होकर के प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन कहाँ बनता है साइटोप्लाज्म बनता है दोस्तों अभी पॉइंट जो होता है जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आपके होते हैं या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन आपके प्रोसेस होते हैं इसमें देखा जाए बहुत से रिसेप्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं बहुत से फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं बहुत एंजाइम्स रिक्वायरमेंट होते हैं बहुत से अदर ट्रांसक्रिप्शन रिलेटेड वेरियस मालिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है अब इम्पॉर्ट जो होता है ये मालिक्यूल्स क्या होते हैं कैसे आपके न्यूक्लियस में यशर्स होते हैं कैसे पहुंचते हैं कैसे एंजाइम जो साइटोप्लाज में डेवलप हो रहा है वो न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है या न्यूक्लियस के अंदर है तो कैसे आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड होता है तो इन सभी को यदि हम लोग बात करें तो देखा जाए न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं देयर आर वेरियस रिसेप्टर एग्जिस्ट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आपके सब से बाइंड करता है बाइंड करके उसको आपके डीएनए तक के कराता है और डीएनए के अंदर एक रिसेप्टर्स होते हैं एक आपके स्पेसिफिक रीजन होते हैं सीक्वेंस होते हैं आपके प्रमोटर होते हैं जहाँ से क्या होता है वो रिसेप्टर जाकर के वहाँ पे बाइंड वहाँ पे मालिक्यूल जाके बाइंड करता है बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस को क्या करता है ऑपरेट करता है रेगुलेट करता है तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो दीज रिसेप्टर आर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोटीन एज न्यूक्लियर रिसेप्टर जो भी आपके रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं जो आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली तो न्यूक्लियर रिसेप्टर कॉन्स्टिट्यूट ए सुपर फैमिली ऑफ डायमेरिक सी फोर फिंगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड डायट बाफिक रिस्पॉन्स एलिमेंट इन डी एन ए तो ये देखा जाए दोस्तों जो होते हैं, ये मेनली जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूट होते हैं डायमरिक सी फोर जिंक फिंगर ट्रांसक्रिप्सल फैक्टर्स होते हैं उनसे क्या करता है बाइंड करके आपके डीएनए के साथ एसोसिएट करता है और वहां पर रिस्पॉन्सो करता है तो रिसेप्टर आर होमोडाइम जिंक फिंगर प्रोटीन डेट रिसाइड इन द न्यूक्लियस तो जो स्ट्राइड रिसेप्टर्स होते हैं वो होमोडाइमर होते हैं उसको हम लोग क्या होते हैं जिंक फिंगर प्रोटीन होता है जो विदिन न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है रिसाइड होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर है एबिलिटी टू डायरेक्टली बाइंड टू डी एंड रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ एडजस्टन टीचिन तो न्यूक्लियर रिसेप्टर जो होते हैं जो डायरेक्टली डीएनए से बाइंड करके और जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होते हैं उनको क्या करते हैं आपके रेगुलेट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है द जिंक फिंगर प्रोटीन डायट सर्व एज रिसेप्टर फॉर ग्लूको एंड प्रोजेस्ट्रॉन आर मेम्रेन ऑफ ए लार्ज फैमिली ऑफ सिमिलर प्रोटीन डाइट सर्व एज रिसेप्टर फॉर ए वराइटी ऑफ स्मॉल हाइड्रोफोबिक मालिक्यूल तो जिंक फिंगर प्रोटीन जो होते हैं ये प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके हार्मोन से बाइंड करते हैं अभी इसकी स्ट्रक्चर क्या है स्ट्रक्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो न्यूक्लियर रिसेप्टर कॉन्स्टिट्यूट ए सुपर फैमिली ऑफ सी डायमे जिंक फिंगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो अभी हम लोगों ने जस्ट बात किया दे आर मॉडुलर इन स्ट्रक्चर एंड कंटेन द वेरियस डोमेन ये आपका सिंपल इन स्ट्रक्चर होता है और ये स्ट्रक्चर जो आपके न्यूक्लियर डिस्ट्रक्टर स्ट्रक्चर होते हैं दे हैविंग वाइड रेंज ऑफ डोमेन अब की बात करते हैं जैसे सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं एन टर्मिनल रेगुलेटरी डोमेन इसको हम ए बी बोलते हैं ठीक है ए बी इज द पॉइंट होता है तो एन टर्मिनल रेगुलेटरी डोमेन उसका नाम होता है द ए बी डोमेन इज हाईली वेरिएबल इन सीक्वेंस बिटवीन वेरियस न्यूक्लियर रिसेप्टर तो जो ए बी डोमेन होता है ए बी डोमेन को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं टरी डोमेन ये जो डोमेन आपका होता है ये हाईली वेरबल होता है न्यूक्लियस में इट कंटेन एक्टिवेशन फंक्शन वन हुज एक्शन इज इंडिपेंडेंट इन ऑफ द प्रजेंस ऑफ लिगेंड इसके पास एक्टिवेशन फैक्टर आपके होते हैं इनका एक्शन जो होता है वो लिगेंट के प्रजेंस पे डिपेंड नहीं करता द ट्रांसक्रिप्स एक्टिवेशन ऑफ ए एक एफ वन इज नॉर्मली वेरी वीक बटरजाइज विथ ए एफ टू इन ई डोमेन टू प्रोड्यूस एंड अपने आपके होते हैं ए एफ वन नॉर्मली वीक होते हैं लेकिन ये एक्टिव कब हो जाते हैं, होते हैं जब आपके ए एफ टू से, के से के साथ करते हैं बाइंड करते हैं और आपके जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं दूसरा जो डोमेन होता है डीएनए बाइंडिंग डोमेन इसको बोलते हैं डी बी डी इसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं इट इज ए हाईली कंजर्व डोमेन कंटेनिंग टू जिंग फिंगर डेट बाइंड टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए कॉल्ड हार्मोन रिस्पांस रिस्पॉन्स एलिमेंट हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट डेट इन नोन एट एच आर ई तो डीएनए बाइंडिंग जो डोमेन होता है डोमेन होता है टू सिंग, जिंग फिंगर दोस्तों यहां पे जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन की बात करते हैं इसके पास टू जिंग फिंगर आपके होते हैं जो आपके स्पेसिफिक सीक्वेंस डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस से बाइंड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट तीसरा होता है हिंज रीजन इसको हम लोग डी से डोनेट करते हैं हिंग रीजन क्या होता है दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल रीजन एंड दे कनेक्ट द डीबीडी एंड एल जो डी और एलबीडी से बाइंड करते हैं एल का मतलब होता है लिगन बाइंडिंग डोमेन जो एल डी और डीबीडी के साथ क्या करते हैं बाइंड करते हैं और आपके ये इन्फ्लुएंस करते हैं आपके ट्रैकलिंग आपके प्रोसेस को मतलब इट सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंट्रा सेलुलर ट्रैकलिंग तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है फ्लेक्सीबल होता है दोनों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है तो लिगन बाइंडिंग डोमेन जो होता है जिसको हम लोग ई से डोनेट करते हैं बाइंडिंग डोमेन कंटेन एक्टिवेशन फैक्टर हुज डिपेंड ऑन द प्रजेंस ऑफ बाउंड लिगेंट अब इसमें देखा जाए ए एफ वन आपका जिसकी जो वेरी वीक होता है लेकिन एक्टिव कब होता है जब आपका ए एफ टू से बाइंड करता है तो लिगन बाइंडिंग डोमेन जो होता है उसके पास क्या पाया जाता है दे कंटेन एक्टिवेशन फैक्टर टू इसका नाम होता है और इसका एक्शन करता है डिपेंड करता है आपके प्रजंसाउंड लिगन पेगन लिगन बाइंड करेगा तभी ये आपका एक्शन में आएगा नहीं तो एक्शन में नहीं आता है तीसरा होता है सी टर्मिनल डोमेन जिसको एफ से डिनोट करते हैं इट इज हाईली वेरिएबल इन सीक्वेंस बिटवीन वेरियस न्यूक्लियर रिसेप्टर तो इसमें देखा जाए दोस्तों ये हमने यहां एक रीजन बनाया हुआ है

Cell. This, जो आपका

और वो क्या करते हैं आपके एंड इनबिट प्रोटीन इन द ऑफ हार्मोन व्हेन द हार्मोन इज प्रेजेंट इट डिफ्यूज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू बाइंडिंग डोमेन तो देखा जाए दोस्तों ये बहुत ही पौच होता है यदि हार्मोन प्रजेंट है यदि हार्मोन एबसेंट है तो कोई सुन लेकिन यदि हार्मोन प्रजेंट है तो क्या हो जाएगा वहां पे प्रॉपर वे से प्लाज्मा से बाइंड करके लिगेंड बाइंडिंग डोमेन डोम क्या करेगा वो आगे जाएगा डिफ्यूज हो जाएगा द रिसेप्टर एंड बाउंड लिगन इज ट्रांसलोकेटेड इन टू न्यूक्लियर तो क्या होगा से बाइंड किया और न्यूक्लियस के अंदर क्या करता है ट्रांसपोर्ट कर देता है और वहां पे क्या पाया जाता है दोस्तों डीएनए बाइंडिंग डोमेन और डीएनए बाइंडिंग डोमेन बाइंड टू रिस्पॉन्स एलिमेंट एंड अलाउिंग द लिगेन बाइंडिंग डोमेन एंड एडिशनल एक्टिवेशन डोमेन एट द एन टर्मिनल टू स्टूमलेट ट्रांसक्रिप्शन टारगेट जीन तो वहां पे रिसेप्टर जो होता है से बाइंड करके ट्रांसलोकेट हो जाता है डीएनए बाइंडिंग रीजन पे और वहां पे क्या करता है डीएनए उसको जाके लोकलाइज करता है बाइंड करता है अब ये देखा जाए दोस्तों बहुत ही बड़ा चीज अब यहाँ पे क्या करना है न्यूक्लियस के अंदर क्या करना है रिस्पॉन्स एलिमेंट जनरेट करना अब देखा जाए ये हारमोन कहाँ पे में डेट द एक्सटीरियर रीजन डेट द साइटोप्लाज्म अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो जाता है तो देखा जाए यहाँ पे आपके जो ये आपके रीजन होते AD, और ये हम लोग जानते होता है? है, है आपके क्या होते इसके साथ हैं आपके एसोसिएट क्या देखा जाए दोस्तों यदि हार्मोन यहां पे आ जाता है हार्मोन यदि यहां पे आ गया तो देखा जाए जो इनिप्टर क्या होता है वहां से रिलीज हो जाता है यदि हार्मोन यदि यहाँ पे बाइंड नहीं करता है एलबीडी से तो इनिप्टर क्या करेगा इसको जाके ब्रेक कर देगा आगे प्रोसेस नहीं होगा लेकिन जो हार्मोन क्या हुआ आपके न्यूक्लियस के अंदर साइटो के अंदर इंसर्ट हुआ तो जो इनिप्टर जो एलबीडी से बाइंड होता है तुरंत यहां से क्या होता है इसके साथ ब्रेक हो जाएगा ये रिलीज हो जाएगा जो के क्या हुआ आपका ब्रेक तो जो आपका हारमोन किससे बाइंड कर लिया दोस्तों एलबीडी से

बाइंड करके क्या करेगा वहां पे जो भी ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है उनको क्या करेगा ऑपरेट करेगा रेगुलेट करेगा तो दिस द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियर रिसेप्टर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रक्चर है दोस्तों सेकंड बात करते हैं आयन चैनल लिंग रिसेप्टर देखा जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपका होता है आयन चैनल रिसेप्टर पे क्योंकि देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपका होता है चाहे हम कुछ भी बात करें तो हमारे सेल के अंदर क्या होते हैं आयन्स मालिक्यूल भी क्या होते हैं आपके इन्वॉल्व होते हैं किसी प्रोसेस के लिए जैसे हम लोग एक यहाँ की बात करें हमको यदि टेम्परेचर लो है हाई है कैसे पता चलता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है वहाँ पे जो हमारे चैनल्स होते हैं आयन चैनल होते हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग के थ्रू आपका क्या होता है आपका होता है ठीक है तो आयन चैनल लिंक रिसेप्टर इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसमीटर गेट आयन चैनल आर इन्वॉल्व इन सिंपैथिक सिग्नल बिटवीन इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड सेल आयन चैनल एसोसिएटेड विद रिसेप्टर ऑन द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर तो आयन चैनल जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं आपके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं आयन चैनल ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज कंट्रोल बाय न्यूरो ट्रांसमीटर अब हमारा आयन का चैनल कब ओपन हो रहा क्लोज होगा ये टोटली क्या होते हैं आपके के थ्रू क्या होते हैं होते हैं। दमन आयन सोडियम कैन चेंज फिल्म कॉस्ट सच एज पोटेशियम आय मतलब क्या जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो आपके क्या होते हैं आपके आयन चैनल का ही मेन एग्जाम्पल होता है स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दोस्तों आयन चैनल के लिए मैं तीन डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में दिखाऊंगा तीनों वीडियो में से जो आपको क्लियर हो वो चीज क्या करिए अपने एग्जाम में आप लोग लिखिएगा याद करिएगा अब इसमें देखा जाए एक्स्ट्रा आपके होते हैं ये आपके साइड्रोसॉल आपके हो गए अब देखा जाए ये जो मॉलिक्यूल होता है अब देखा जाए यहाँ पे ये देखा जो आपका चैनल है आयन चैनल होता है आयन चैनल जो आपका रिसेप्टर आपके होते हैं अब देखा जाए ये आयन चैनल क्या है यहाँ पे देखिए क्लोज है तो क्या मैसेंजर मालिक्यूल क्या करेगा वो आयन को यहाँ पे इन इन और आउट करेगा नहीं करेगा तो क्या हुआ जहां पे आपका आयन मालिक्यूल होगा ओपन होगा होगा वो क्या करेगा से आपका आयन इन एंड आउट तो मैसेंजर देखा जाए क्या हुआ उसको रीड करता है और यहाँ पे देखा जाए जो आपके आयन मालिक्यूल होते हैं उसको देखा जाए आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर तो देखा जाए आयन जो आपके एक्स्ट्रा सलोर फ्लूड में था वो कहा चला गया साइटोप्लाज्म में आपके चले जैसे आपका सोडियम पोटेशियम क्लोडिन आयन जो होते हैं मूव हो जाते हैं किसके थ्रू ओपन चैनल के थ्रू और वहाँ पे क्या करते हैं अपने सेल के अंदर क्या करता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या करते हैं आपके ऑपरेट करते करतेजाम्पल की बात करें जैसे हम लोग की ह्यूमन बॉडी होती है यदि ह्यूमन बॉडी में आयन की डिफिशेंसी हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारा सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है इफेक्टेड हो जाता है उसके कारण क्या होते हैं आपके बॉडी में आपके कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो पे भी क्या करता है इफेक्ट करता है देन हम लोग क्या करते हैं तुरंत हम लोग क्या करते हैं उस बॉडी को हम लोग आयन देते हैं और आयन क्या करता है हमारे जो सेल मेम्रेन होती है जो फ्लूड में जो में आपके आयन्स आ गया वो आयन क्या करता है आपको चैनल ओपन हो जाता है जो रिसेप्टर क्या करेगा बाइंड कर लेगा बाइंड करके उस आयन को सेल के अंदर चला जाता है और सेल की जो डिफिशियंसी होती है आयन्स की उसको क्या होता है वहां पे कंप्लीट हो जाता है तो एक, एक कैसे होता है डेट इज नोन एज रिसेप्टर एंड आयन चैनल वहां पे जो आयन चैनल होता है वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं क्या होता आपका होता है आयन चैनल्स होते हैं आयन चैनल गेट होते हैं है। अब इसमें देखा जाए आयन चैनल गेट क्या है यहाँ पे क्लोज है कि ओपन है तो देखें दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका क्लोज है ठीक है तो सिंगल मॉलिक्यूल बाइंड टू अब देखा जाए जो आपका सिंगल मॉलिक्यूल यहाँ बाइंड करेगा लेकिन ये अंदर नहीं जाए क्योंकि यहाँ पे क्या है क्लोज है लेकिन हम आयन की बात करते हैं यहाँ पे देखा जाए ये सब आयन मालिक्यूल अंदर तो जा नहीं सकते यहाँ पे देखा जाए आयन मालिक्यूल आपके हैं ये सभी आयन मालिक्यूल तो यहाँ पे क्या है क्लो, ओपन है तो देखिए आयन मालिक्यूल क्या हुआ जो आपके बाहर थे वो बाहर से कहाँ आ गए आपके इन आ गए तो ये कैसे पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ आयन चैनल रिसेप्टर के थ्रू आयन चैनल गेट के थ्रू उसी थ्रू क्या हुआ आयन मालिक्यूल आपके इन चले जाते तो यहाँ पे कहता है सिग्नल बाइंडिंग जो साइट होते हैं वो यदि आपका बाइंड हो रहा है सिग्नल मालिक्यूल बाइंड हो जा रहा है वो क्या करता है रिसेप्ट आपके आयन्स को इन आपको कर देगा लिगेंड बाइंडिंग चेंज द कन्फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्टर सो डैट ओनली स्पेसिफिक आयन फ्लो थ्रू इट अभी सिर्फ चीज होता है कि जो रिसेप्टर्स होता है उसे स्पेसिफिक लिगेंड क्या करेगा बाइंड करेगा और उसके कन्फॉर्मेशन को चेंज कर देगा उसके स्ट्रक्चर को चेंज करेगा जिससे क्या होगा एक स्पेसिफिक आयन क्या क्या करेगा आपका करेगा आपका फ्लो थ्रू इट और वहाँ पे क्या करेगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रॉस डेवलप हो जाता है और जो आयन मालिक्यूल क्या होते हैं वहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तो स्टील कॉलिन इज द बेस्ट एग्जाम्पल एट द जंक्शन ये बेस्ट एग्जाम्पल होता है न्यूरो ट्रांसमीटर का क्योंकि हमारे बॉडी पे कहीं पे कोई भी रिस्पांस आता है रिस्पॉन्स क्या होता है हमारे ब्रेन तक जाकर के वैसे रिस्पॉन्ड क्या करता है जनरेट करता है तो इसको कैसे करते हैं ये फिगर थ्री में है ये देखा जाए आपका सरफेस हो गया ए ए लिगेंड लिगेंड हो हो गया ए, हो गया बाइंडिंग रीजन ठीक अब देखा जब लिगेंड क्या किया आपको आकर के पे लिगेंड बाइंडिंग रीजन से क्या किया यहाँ पे बाइंड किया और ये क्या हो गया रिसेप्टर प्रोटीन हो गया तो देखा जाए जो लिगेंड मालिक्यूल यहाँ पे बाइंड कर ले जब बाइंड किया तो आयन जो मालिक्यूल आपका होगा वो आयन मालिक्यूल क्या हो जाएगा आपके साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा तो देखा जाए जो आयन आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में थे वो क्या हुए आपके बॉडी के अंदर चले जाते तो ये आपका स्ट्रक्चर थ्री होता है फिगर थ्री होता है तीनों फिगर में कोई भी आपको क्लियर हो जाए उसको आप बना सकते हैं तो एस्टिल कोल्ड्रिन रिसेप्टर आर ए टाइप ऑफ कैटायन चैनल रिसेप्टर इन्वॉल्व एस्टिल कोल्ड्रिंग जो होता है बेस्ट एग्जाम्पल आपको माना जाता है आयन चैनल का आयन चैनल लिंक रिसेप्टर बाइंड ए लीगन एंड ओपन चैनल थ्रू द मेम्ब्रेन

टू इंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोस्टिक सेल टू दउट साइड ऑफ द सेल तो जो न्यूरो आपके होते हैं जैसे बाइंड कर लिए तो क्या जाएगा एन चैनल ओपन हो जाएगा और में क्या होंगे वो मा, बायोमालिक्यूल्स क्या हो जाएंगे आप enter हो जाएंगे और हमारे जो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है उसको क्या करते हैं ऑपरेट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है थैंक यू दोस्तों आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा इस वीडियो को बनाने के लिए हमने कार बुक का यूज किया बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एन पी टी एल का मालिक्रोबायोलॉजी ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इन सभी बुकों को यूज करके हमने इस वीडियो को बनाया थैंक यू इस वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा सब शेयर शेयर करिएगा क्योंकि शेयर कोई भी वीडियो यदि आपको अच्छा मिलता है तो यदि आप किसी को शेयर करते हैं तो आपके अंदर ये अच्छाई का इंडिकेशन होता है कि आप बहुत अच्छे हैं शेयर शेयर करिएगा थैंक यू ऑल द बेस्ट आपका एक शेयर किसी एक बच्चे के करियर के बना सकता है क्योंकि ये जो टॉपिक है या आपका चाहे बी एस सी बायोटेक हो या बीटेक बायोटेक के स्टूडेंट हो या एम एस सी हो बायोटेक या लाइफ साइंस के ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है सी एस आई आर के लिए तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू आल्